बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने आगरा में दौरा किया, जहां मदरसे स्कूल जिला अस्पताल में बच्चों के स्थानों पर जाकर निर्णय लिया। कमियां पाए जाने पर अधिकारियों को तलब कर तुरंत कार्यवाही बात कही। लड़ामदा से आए हुए पिता ने बताया कि बीएसए के कई बार चक्कर काटने के बाद भी उनकी बेटी का एडमिशन नहीं दिया, जिसके बाद तुरंत कार्यवाही के आदेश देकर बेटी के एडमिशन के लिए ऑर्डर दिया। कल मैं आगरा में आई थी, कल मॉर्निंग में आई थी आगरा में, और आते ही मैंने निरीक्षण किया है, बेसिक स्कूलों का किया, आंगनवाड़ी का किया, सर्वेक्षण गृह में किया, शिशु गृह में गई। हाँ तो सब जगह, लेकिन सर्वेक्षण गृह में थोड़ा सा मुझे गंदगी दिखी, जिला हॉस्पिटल में गंदगी दिखी काफ़ी, उसके लिए मैं अभी चर्चा करने वाली हूँ। बाकी बच्चों के लिए पूछा, डॉक्टर्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, सब ठीक है, मैं बच्चों से मिली थी। तो आज भी मैं एक मदरसे में भी गई थी, मदरसे में भी गई थी, वन स्टॉप सेंटर भी गई थी। तो आज मैं निरीक्षण करके आई हूँ, कहीं जो थोड़ी बहुत कमियाँ पाएगी वो मैं पूछूंगी। और आज जन सुनवाई के लिए मात्र एक दो लोग आए थे, आरटीआई का मैटर है उनका, आरटीई का, सॉरी आरटीई का मैटर है, तो उसके लिए मैंने कहा कि आप हमें दीजिएगा। बेसिक शिक्षा के अधिकारी आए हुए हैं, अभी मैं उनसे बात करूंगी कि क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास की बच्ची है उनका, क्यों नहीं हुआ है। तो इस तरह की हमने जन सुनवाई रखी, लेकिन जन सुनवाई में कोई आया नहीं, आज रखी थी हमने जन सुनवाई। मैम, स्वास्थ्य को लेकर जैसे अभी आपने निरीक्षण किया है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाँ, हमने ये बताया ना, गंदगी हमें काफ़ी वहाँ दिखी जिला अस्पताल में, और वहाँ पे डॉक्टर तो खैर उपलब्ध थे। मैं बच्चों के वार्ड में गई थी, बच्चों को देखा वहाँ पे, हम उनसे मदर से ही बात की, बच्चों से ही बात किया, तो कैसे केयर हो रही है हमारी, सब तरह से ठीक है। एक तो बहुत ही बता रहे थे वीक बच्चा था, उसका काफ़ी वजन बढ़ गया, अब ठीक है। तो बहुत परेशानी हालत में आई, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ध्यान देते हैं। रिक्वेस्ट हूँ, आज यहाँ बाल आयोग के मेंबर ने यहाँ जनसुनवाई की थी, यहाँ निरीक्षण भी किया था, तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आकर मिला था। और मैंने आगरा शहर में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित 10 बिंदुओं पर इनको मांग पत्र सौंपा है, जिनमें मांग मेरी ये भी है कि जिले में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति करते हैं। मैं कई बार सर्वे करके इनको दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई बच्चा रेस्क्यू नहीं हुआ। मांग की है कि इन बच्चों को रेस्क्यू करा के सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए। जो मदरसे जो अभी सर्वे हुआ है, उसमें कई सारे मदरसे ऐसे निकले हैं जो आवासीय मदरसे हैं, उन आवासीय मदरसों का जे एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और जो थानों में जो बाल कल्याण अधिकारी नामित किए गए हैं बच्चों की सुरक्षा के मामले देखते हैं, मांग की गई है कि इन सारे बाल कल्याण अधिकारियों को CUG नंबर दिलवाया जाए, जिससे कि ये इनसे आसानी से संपर्क किया जा सके। बाकी की और RTE में बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं बेसहारा हैं, परिवार वाले हैं जिनका परिवार नहीं है और बड़ी मुश्किलों से वो रहना पड़ रहा है उनको, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे 8 बच्चों की मैंने इनको जानकारी दी है जिनके माँ बाप एक्सपायर हुए हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं है। उन बच्चों को सरकार की योजनाओं से जोड़ी जाए, उनको पुनर्वास कराया जाए, सुरक्षा दी जाए। तो इसी तरह से मैंने करीब 10 बिंदुओं पर इनको सुझाव पत्र दिया है।